ईआरटीके में सेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मेडिएशन इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द नंबर ए ऑन वेकेशन, नंबर एट होम, नंबर सी वॉकिंग, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। मेडिएशन कब किया जाता है? वेकेशन में किया जाता है, होम में किया जाता है, वॉकिंग में किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। मेडिएशन आपको सभी टाइम आपको किया जाता है, मेडिएशन आपको सभी टाइम आपको किया जाता है। दूसरा, समाधि इज ए ट्रेंस और स्टेट ऑफ द ब्लिस, ए स्टेट ऑफ द स्लीप, ए स्टेट ऑफ द रेस्टिंग, ए स्टेट ऑफ द सिटिंग। समाधि आपका क्या है? आंसर है स्टेट ऑफ द रेस्टिंग। समाधि आपको स्टेट ऑफ द रेस्टिंग है, इसे समाधि कहते हैं। है ना, स्टेट ऑफ द रेस्टिंग को समाधि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणा मींस सेल्फ एनर्जाइजिंग, बी फिटनेस, सी क्रॉनिक, डी ऑल ऑफ द अबव। प्राणा का मतलब क्या होता है? प्राणा का मतलब सेल्फ एनर्जाइजिंग आपको होता है। प्राणा का मतलब सेल्फ एनर्जाइजिंग आपको होता है। प्राणा का मतलब सेल्फ एनर्जाइजिंग आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट हैज नंबर ए टू चैंबर्स, नंबर बी थ्री चैंबर्स, नंबर सी फोर चैंबर्स, नंबर डी नो चैंबर्स। हार्ट को कितने चैंबर्स होते हैं? आंसर है फोर चैंबर्स। हु कंपाइल्ड योग सूत्र, नंबर ए पतंजलि, नंबर बी गरंडा, नंबर सी स्वत्रामा। नंबर डी नन ऑफ द अबव। योग सूत्र को किसने कंपाइल किया था? हु कंपाइल्ड द योग सूत्र? नंबर ए इज द आंसर, इज द पतंजलि। योग सूत्र को पतंजलि ने कंपाइल किया था। योग सूत्र जो ग्रंथ है उसको पतंजलि ने कंपाइल आपको किया है, पतंजलि ने आपको कंपाइल किया हुआ है। माइंड कंसिस्ट ऑफ द नंबर ए टू स्टेज, नंबर बी फोर स्टेज, नंबर सी थ्री स्टेज, नंबर डी फाइव स्टेज। माइंड कितने स्टेज में बना होता है? माइंड कितने स्टेज में आपको आपको बना होता है? आंसर है थ्री स्टेज। माइंड आपको थ्री स्टेज में आपको बना हुआ होता है, थ्री स्टेज में आपको माइंड आपको बना होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ योगा इज, नंबर ए फास्टर ग्रोथ इन द चिल्ड्रन, नंबर बी स्ट्रेस रिडक्शन, नंबर सी कैंसर क्योर, नंबर डी क्विक एक्शन। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द योगा इज द स्ट्रेस रिडक्शन। One of the most prominent health effects of yoga is the stress reduction. Stress reduction एक जो है योगा का health effect है, stress आपको कम करता है, mind का stress आपको कम करता है। Which pranayama practice is beneficial for skin and eye? Skin और eye के लिए कौन सा pranayama आपको beneficial है? Number A नाड़ी शोधना, number B सिताली, number C ब्राह्मी, number D नन। Skin के लिए pranayama आपको beneficial आपको कोई भी नहीं है, answer है नन। नाड़ी शोधना, सिताली, ब्राह्मी, आंसर है नन, आंसर है नन।
Rajyoga, also called as a number A action, number B devotion, number C classical yoga, number D physical. Rajyoga kya kehlata hai? Rajyoga also called as number B devotion. Rajyoga ko devotion bhi aapko kaha jata hai. Rajyoga ko devotion bhi aapko kaha jata hai. Rajyoga ko डिवोशन भी आपको कहा जाता है. राजयोगा को ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. कौन सा ऑर्गन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में आपको इन्वॉल्व रहता है? नंबर ए स्टोमच, नंबर बी लंग्स, नंबर सी लीवर, नंबर डी किडनी. आंसर है लंग्स इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. लंग्स जो है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में आपको इन्वॉल्व रहता है. विच सिस्टम रेगुलेट्स वाटर लेवल एंड बॉडी टेम्परेचर. कौन सा सिस्टम वाटर लेवल और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? नंबर ए डक्टलेस ग्लैंड, नंबर बी किडनी, नंबर सी हार्ट, नंबर डी पैंक्रियास. वाटर लेवल एंड द बॉडी टेम्परेचर को कौन सा आपको करता है? आंसर है डी पैंक्रियाज. पैंक्रियाज ही आंसर है जो वाटर लेवल और बॉडी टेम्परेचर को आपको रेगुलेट करता है. पैंक्रियाज. इसका आंसर है पैंक्रियाज. When first International Yoga Day is observed in India? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. International Yoga Day इंडिया में कब जो है पहला आपको मनाया गया था? आंसर है 21st June 2014, नंबर बी 21st June 2015, नंबर सी 21st June 2016, none of the. आंसर है बी 21st June 2015. फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इंडिया में 21 जून 2015 को ऑब्जर्व किया गया था. 21 जून 2015 को फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे आपको मनाया गया था. फर्स्ट इंटरनेशनल डे योगा का आपको 21 जून 2015 को आपको मनाया गया. वेयर द रिसोल्यूशन सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा इज पास्ट. इंटरनेशनल योगा डे मनाने का जो रिसोल्यूशन है कहां पास किया गया था? नंबर ए इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर बी इज द यूएन जनरल असेंबली, नंबर सी इंडियन पार्लियामेंट एंड नंबर डी नन ऑफ द एबव. इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा को मनाने का जो रिसोल्यूशन है कहां पास किया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा का जो रिसोल्यूशन है कहां पास किया गया था? आंसर है यूएन जनरल असेंबली. यूएन जनरल असेंबली में जो रिसोल्यूशन पास किया गया था इन सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा, उसके बाद आपको इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा मनाना आपको वर्ल्ड वाइड आपको शुरू हुआ. Who is known as father of the yoga? Number A Patanjali, number B Shiva, number C Brahma, number D Tirumali Krishna Acharya. Father of the yoga kisko bola jata hai? Father of the yoga kisko bola jata hai? Answer hai Patanjali. Patanjali ko father of the yoga aapko bola jata hai. फादर ऑफ द योगा पतंजलि को बोला जाता है. विच वेदा मेंशंस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द योगा. कौन सा वेदा में एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में आपको दिया हुआ है? नंबर ए अथर्ववेदा, नंबर बी ऋग्वेदा, नंबर सी सामवेदा, नंबर डी यजुर्वेदा.
कौन सा वेद में एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में आपको दिया हुआ है, कौन सा वेद में? अथर्ववेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा? आंसर है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में एलिमेंट्स ऑफ द योगा के बारे में आपको वर्णन किया गया है। एलिमेंट्स ऑफ द योगा के बारे में आपको ऋग्वेदा में आपको वर्णन किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा 2018? फोर्थ इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा का थीम आपको क्या था? नंबर ए कनेक्ट द यूथ, नंबर बी योगा फॉर माइंड, नंबर सी योगा फॉर पीस, नंबर डी योगा फॉर सोल। फोर्थ इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा जो 2018 में हुआ था उसका थीम आपको क्या था? आंसर है योगा फॉर पीस। आंसर है योगा फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोगा? डोगा का मतलब क्या होता है? डोगा इज नॉट ए फॉर्म ऑफ योगा, डोगा इज ए काइंड ऑफ योगा बाय यूजिंग डॉग्स एज ए प्रोपोजिशन। डॉग्स को प्रोपोजिशन में यूज करके किया जाता है, उसको डोगा बोलते हैं। डोगा इज रिलेटेड विद द डॉग्स, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर द रॉन्ग। डोगा को क्या बोला जाता है, डोगा का मतलब क्या होता है? डोगा इज ए काइंड ऑफ द योगा बाय यूजिंग डॉग्स एज ए प्रोपोज। सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा इन इंडिया इज डन बाय विच मिनिस्ट्री? इंडिया में सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको किया जाता है? नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष, नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन, नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन, नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आंसर है ए मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष। जो इंटरनेशनल योगा डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आपको किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन आपको इंडिया में आपको किया जाता है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र में कितने चैप्टर्स हैं? नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी 2, नन ऑफ द अबव। आंसर है 4। पतंजलि योग सूत्र में 4 चैप्टर्स हैं। पतंजलि योग सूत्र में आपको 4 चैप्टर हैं। विच इज द बेसिक टेस्ट ऑफ द योगा फिलॉसफी? योगा फिलॉसफी का बेसिक टेस्ट आपको आपको क्या था? नंबर ए हठ योगा प्रदीपिका, नंबर बी घिरांडा संहिता, नंबर सी पतंजलि योग सूत्र, नंबर डी शिवा संहिता। बेसिक टेस्ट ऑफ द योगा फिलॉसफी आपको पतंजलि योग सूत्र है। योगा फिलॉसफी का बेसिक जो टेस्ट है, जहां से योगा आपको किया जाता है, योगा का जो ओरिजिन है आपको पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र से ही योगा फिलॉसफी को आपको लिया गया है। द संस्कृत वर्ड वेदा इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स? जो संस्कृत वर्ड वेदा है वो आपको रूट वर्ड वेद से लिया गया है, जिसका मतलब है नंबर ए टू अंडरस्टैंड, नंबर बी टू सी, नंबर सी टू नो, नंबर डी टू हियर। वेद का मतलब क्या है? द संस्कृत वर्ड वेदा
विद से लिया गया है, विद का मतलब क्या है, नंबर ए टू अंडरस्टैंड, नंबर बी टू सी, नंबर सी टू नो, नंबर डी टू हियर, विद का मतलब है टू नो, विद वेदा जो वर्ड ड्राइव किया गया है वो विद वर्ड से ड्राइव किया गया है, उसका मतलब है टू नो, उसका मतलब है टू नो। अब मैं आप लोग का पहले अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। अमन सिंह जी 19ME006 इज प्रेजेंट, नीतीश शर्मा जी इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 19ME32 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 19ME005 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 19ME016 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 19ME21 इज प्रेजेंट। आज ये लोग प्रेजेंट है, मोहित अदाना जी 19ME21 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 19ME16 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 19ME005 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 19ME32 इज प्रेजेंट, नीतीश शर्मा जी इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 19ME006 इज प्रेजेंट, ये सारे आपको प्रेजेंट है। सिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड टू वेदा आर नाउन एज समाहिता, नंबर बी वेदांग, नंबर सी ब्राह्मणा, नंबर डी अरण्य। सिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट जो वेदा से रिलेटेड है उसको छह वेदांग बोलते हैं, आंसर है वेदांग। जो वेदा से आपको रिलेटेड है छह टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको वेदांग बोलते हैं। उसको वेदांग बोलते हैं, छह जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसको वेदांग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ द वेदांता ऑल रियलिटी इज ब्राह्मण, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ द वेदांता ऑल रियलिटी इज ब्राह्मण, नंबर ए द्वैता, नंबर बी विशुद्धित्वा, नंबर सी अद्वैता एंड नंबर डी सुधाद्वैता, ऑल रियलिटी इज ब्राह्मण, सुधाद्वैता के अनुसार ऑल रियलिटी इज द ब्राह्मण, ये आपको स्कूल ऑफ द वेदांग में आपको आपको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ वेदांत ऑल रियलिटी इज द ब्राह्मण, तो सुधाद्वैता में आपको दिया हुआ है। इन विच भावा द सरेंडरिंग एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट टू हिज मास्टर इज इन्वॉल्व, इन विच भावा द सरेंडरिंग एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट टू हिज मास्टर इज इन्वॉल्व, नंबर ए मधुरा मधुर्य भावा, नंबर बी दस्य भावा, नंबर सी साक्य भावा, नंबर डी शांत भावा। इन विच भावा द सरेंडरिंग एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट टू हिज मास्टर इज इन्वॉल्व, दस्य भावा, दस्य भावा में सरेंडरिंग एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट टू हिज मास्टर को आपको इन्वॉल्व किया गया है। नंबर सी योगा कर्मासु का मतलब आपको क्या होता है, नंबर ए निश्चलम, नंबर बी चालम, नंबर सी कौशालम, नंबर डी फालम। योगा कर्मासु का मतलब कौशलम होता है, योगा कर्मासु का मतलब कौशलम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम प्यूरिफाई द एस्ट्रल बॉडी, कौन सा प्राणायाम जो एस्ट्रल बॉडी को आपको प्यूरिफाई करता है,
उज्जाई, नंबर बी नाड़ी शोधना, नंबर सी सूर्य वेधा एंड नंबर डी मोर्चा. विच ऑफ द फॉलोइंग परनामा प्यूरिफाई द एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को कौन जो है प्यूरिफाई करता है? आंसर है नाड़ी शोधना. नाड़ी शोधना आपको एस्ट्रल बॉडी को प्यूरिफाई करता है. द वर्ड नाड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नाड विच मीन्स, जो वर्ड नाड़ी लिया गया है वो नड से आपको लिया गया है, उसका मतलब क्या है? नंबर ए टू फ्लो, नंबर बी टू ब्लो, नंबर सी टू रन, नंबर डू टू कैरी. आंसर है टू फ्लो. नाड़ी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड नाड, इसका मतलब है आंसर टू फ्लो. एट विच चक्रा द यूनियन एडा एंड द पिंगलांडी टेक्स प्लेस. एट विच चक्रा द यूनियन एडा एंड द पितांग पिंगलांडी टेक्स प्लेस. नंबर ए मणिपुरा, नंबर बी अवंथा, नंबर सी अजना, नंबर डी विशुदी. कौन सा चक्र में यूनियन ऑफ एडा और पिंगांगली आपको होता है? आंसर है अजना. आंसर है अजना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजयोगा इज द योगा ऑफ कंट्रोलिंग अवर सेंस ऑर्गन. नंबर बी ऑर्गन्स ऑफ द एक्शन, नंबर सी माइंड एंड नंबर डी अवर इमोशंस. राजयोगा क्या है? राजयोगा इज द योगा ऑफ कंट्रोलिंग अवर माइंड. राजयोगा आपको माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है. राजयोग माइंड को कंट्रोल करने का तो आपको तरीका है राजयोग. विच प्राणा गवर्न्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. कौन सा प्राणा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको गवर्न करता है? नंबर ए आपना, नंबर बी वायना, नंबर सी समाना, नंबर डी उड़ाना. कौन सा प्राणा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको गवर्न करता है? आंसर है समाना. समाना आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको गवर्न करता है. चक्रा एंड नाड़ी आर कंपोनेंट्स ऑफ द विच कोशा. चक्रा और नाड़ी किस कोशा का कंपोनेंट है? नंबर ए अनम्या, नंबर बी प्राणायामा, नंबर सी मनोम्या, नंबर डी विजय विजयमा. चक्रा और नाड़ी किस कोशा का कंपोनेंट है? आंसर है प्राणायामा. चक्रा और नाड़ी आपको प्राणायामा का आपको कंपोनेंट है ना. चक्रा और नाड़ी आपको प्राणायामा का कंपोनेंट. चक्र और नाड़ी आपको प्राणायामा का कंपोनेंट है. कई आपको एमसीक्यू आपको करवा दिया गया, इसको फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं. मेडिएशन इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द ऑन वेकेशन एट होम, नंबर सी वॉकिंग, ऑल ऑफ द अबव. मेडिएशन जो प्रैक्टिस किया जाता है सभी टाइम में आपको प्रैक्टिस किया जाता है. वेकेशन में भी कर सकते हैं, होम में भी कर सकते हैं, वॉकिंग में भी आपको कर सकते हैं. मेडिएशन
वेकेशन में भी कर सकते हैं, वॉकिंग में भी कर सकते हैं, होम में भी कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको कभी भी कर सकते हैं। समाधि इज ए ट्रेंस और स्टेट ऑफ द ब्लिस, स्टेट ऑफ द स्लीप, ए स्टेट ऑफ द रेस्टिंग, स्टेट ऑफ द सिटिंग। समाधि क्या है? समाधि क्या है? समाधि इज द स्टेट ऑफ द रेस्टिंग। समाधि आपको स्टेट ऑफ द रेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणा मीन्स सेल्फ इनर्जाइजिंग, बी फिटनेस, नंबर सी क्रोनिक, ऑल ऑफ द अबव। प्राणा का मीन्स है सेल्फ इनर्जाइजिंग, प्राणा का मीन्स है सेल्फ इनर्जाइजिंग, प्राणा का मतलब है सेल्फ इनर्जाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हेड हैज टू चैंबर्स, थ्री चैंबर्स, फोर चैंबर्स, नो चैंबर्स। ह्यूमन हेड में कितने चैंबर्स होते हैं? आंसर है फोर चैंबर। हु कंपाइल्ड योग सूत्र, योग सूत्र को किसने कंपाइल किया हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ए पतंजलि, नंबर बी गरांडा, नंबर सी सत्तुरामा, नंबर डी नॉन ऑफ द एवक। योग सूत्र को पतंजलि ने कंपाइल किया हुआ है। योग सूत्र को पतंजलि आपको कंपाइल किया हुआ है। माइंड कंसिस्ट ऑफ टू फोर थ्री फाइव स्टेज। माइंड कितने स्टेज आपको कंपोज करता है? आंसर है थ्री स्टेज। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द योगा इज फास्टर ग्रोथ इन द चिल्ड्रेन, स्ट्रेस रिडक्शन, बी कैंसर क्योर, नंबर डी क्विक एक्शन। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द योगा इज द स्ट्रेस रिडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द योगा इज द स्ट्रेस रिडक्शन। विच प्राणायामा प्रैक्टिस इज बेनिफिशियल फॉर स्किन एंड आई, स्किन एंड आई के लिए कौन सा प्राणायामा प्रैक्टिस आपको बेनिफिशियल है? स्किन और आईज के लिए, स्किन के लिए। नंबर ए नाड़ी शोधना, नंबर बी सिताली, नंबर सी ब्राह्मी, नंबर डी नन। स्किन के लिए और आईज के लिए कोई भी आपको प्राणायामा आपको हेल्पफुल नहीं है, कोई भी प्राणायामा आपको बेनिफिशियल नहीं है स्किन के लिए। राजयोगा ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन, नंबर बी डिवोशन, नंबर सी क्लासिकल योगा, नंबर डी फिजिकल योगा। राजयोगा क्या कहलाता है? नंबर बी इज द डिवोशन, ये आपको डिवोशन भी कहलाता है। राजयोगा को डिवोशन भी कहते हैं, ये आपको डिवोशन भी कहलाता है। ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। नंबर ए स्टोमच, नंबर बी लंग्स, नंबर सी लीवर, नंबर डी किडनी। ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, नंबर ए स्टोमच, नंबर बी लंग्स, नंबर सी लीवर, नंबर डी किडनी। Answer is the B lungs. Next question, which system regulates water level and body temperature? Water level or body temperature को कौन सा organ आपको regulate करता है? Ductless gland, number B kidney, number C heart, number D pancreas. पैंक्रियाज आपको वाटर लेवल और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है।
when first international yoga day is observed in India. First international yoga day India mein kab aapko observe hua tha? 21 June 2014, 21 June 2015, 21 June 2016, none of the above. Answer hai number B, 21 June 2015 ko International Yoga Day observe kiya gaya tha. First International Day Yoga Day aapko India mein 21 June 2015 ko observe kiya gaya tha. Where the resolution of celebrating International Day of Yoga is passed. International Day of the Yoga ko pass karne ke liye kahan aapko resolution ko pass kiya gaya tha. Number A, World Health Organization. Number B, UN General Assembly. Number C, Indian Parliament. Number D, none of the above. Jo resolution International Day of the Yoga ko बनाया गया था उसको कहां पास किया गया था? आंसर है यूनाइटेड नेशंस जनरल ऑफ असेंबली. यूनाइटेड नेशन जनरल ऑफ असेंबली में आपको पास किया गया था. हु इज नाउन एज फादर ऑफ द योगा? नंबर ए पतंजलि, नंबर बी शिवा, नंबर सी ब्रह्मा एंड नंबर सी तिरुमाला कृष्णमाचार्य. नंबर ए इज द आंसर पतंजलि. फादर ऑफ द योगा आपको पतंजलि है. विच वेदा मेंशंस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द योगा? कौन सा वेदा में आपको एलिमेंट्स ऑफ द योगा का वर्णन किया गया है? नंबर ए अर्थवेदा, नंबर बी ऋग्वेदा, नंबर सी सामवेदा, नंबर डी यजुर्वेदा. ऋग्वेदा में आपको एलिमेंट्स ऑफ द योगा का आपको वर्णन किया गया है. What is the theme of the fourth International Day of the Yoga 2018? Fourth International Day of Yoga का आपको theme क्या है? Number A, connect the youth. Number B, yoga for mind. Number C, yoga for peace. Number D, yoga for soul. Answer है yoga for peace. Yoga for peace आपको theme है fourth International Day of Yoga का.